सब्सक्राइब कीजिए होम शेफ चैनल को और बेल आइकॉन को दबाए मजेदार सी रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। आज हम बना रहे हैं मटन कीमा। मटन कीमा बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो है कीमा आधा किलो, मटर पाव किलो, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, तेल 100 ml, 2 टेबलस्पून दही, नमक ज़रूरत के मुताबिक, हरी मिर्च 2, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, 2 टमाटर, 2 प्याज, 3 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, काली मिर्च 6, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ता और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मटन कीमा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसको धोकर उसे छान लेंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, दही डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे, मिक्स गरम मसाला पाउडर डालेंगे, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया डालेंगे, भुना कुटा हुआ जीरा डालेंगे, नमक डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। हमारी सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम कीमे को आधे घंटे के लिए सारे मसालों के साथ मैरिनेट करके रखेंगे। एक बर्तन में तेल गरम करेंगे, उसमें खड़ा गरम मसाला डालेंगे, स्लाइस की हुई प्याज डालेंगे और मिक्स कर लेंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। उसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और उसे नरम होने तक भून लेंगे। उसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा डालेंगे और भून लेंगे और उसे ढककर पकाएंगे। फिर उसमें मटर के दाने डालेंगे और मिक्स कर लेंगे और फिर से उसे ढककर धीमी आंच पर पका लेंगे। अब इसमें लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर फिर से ढककर पकाएंगे। आखिर में इसमें हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। हमारा कीमा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।